वी आर स्टडिंग क्लास 10th चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन लास्ट वीडियो वी डिड एग्जांपल्स, नाउ हियर वी विल डू एक्सरसाइज 7.2। सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है इन्होंने, एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, नोटपैड पे करेंगे हम। मैं एक एक क्वेश्चन अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, एग्जाम्पल मैंने फटाफट एक्सप्लेन कर दिए थे, ये क्वेश्चन सब मैं एक एक स्टेप अच्छे से समझाऊं। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो दिस एंड दिस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ करो, हमेशा इस एक्सरसाइज में हमेशा एक लाइन ड्रॉ करो। इसको दे दो ए नाम, इसको दे दो बी नाम। ठीक है, सबसे पहले हमेशा एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये वाला पॉइंट है बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, -1, 7। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं, 4, -3। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब बीच में यहाँ पे कहीं एक पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपको पता करने हैं, जिसको हमेशा x, y लें। बीच वाला ये जो पॉइंट है ना, इसके कोऑर्डिनेट हमेशा x, y लेंगे अपन। ठीक है, किस रेशियो में, 2:3। अभी मैंने पॉइंट ऐसे लगा दिया, 2 है तो थोड़ा इधर होता है, ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे रफली बनाया, एकदम रफ टाइप। तो 2:3 के 3 रेशियो में इसने इसको डिवाइड किया। वापस से एक्सप्लेन कर रही हूँ, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ये जो पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कीजिए, मतलब एक्स और वाई हमें फाइंड आउट करना है। विच डिवाइड द जॉइन ऑफ, मतलब ये जो पॉइंट है, ये इन दोनों पॉइंट्स को, जो इन दोनों पॉइंट को जो ये लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको डिवाइड करे 2:3 के रेशियो में। ठीक है, मतलब ये M1 है, ये M2 है, ये X1 Y1, ये X2 Y2, ये X, Y। सॉल्व करके बताती हूँ कैसे करना है। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, वापस से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है, ए और बी पॉइंट। ठीक है, बीच में एक पॉइंट है पी, इसके हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है 2:3 के रेशियो में। ठीक है, इसका मतलब ये तो M1 है, M1 क्या है, 2। ये क्या है, M2, M2 क्या है, 3। ये क्या है, X1 -1, 7। ये क्या है, y1। ये है x2, ये है y2। ठीक है, पहला हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है, दूसरा हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है। अब हम सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पे। ये है अपना सेक्शन फॉर्मूला, x = M1x2 + M2x1/M1+M2। ये मेरा सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, M1 कितना दे रखा है, 2, 2 लिख दो। मल्टीप्लाई X2 कितना है, X2 4 4 लिख। प्लस M2 कितना है, M2 है मेरा 3 3। X1 कितना है, -1। X1 क्या है, -1। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, कोई भी साइन नहीं है इसका, मतलब मल्टीप्लाई। M1 + M2 मतलब 2 + 3। M1 क्या है, 2, और M2 कितना है, 3। सॉल्व कर लो बस, बहुत सिंपल है। 2 4 8, यहाँ पे प्लस और ये माइनस हो जाएगा माइनस। 3 1 3, 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 8 में से 3 लेस कर दो, कितना बचेगा, 5। 5 by 5 क्या आ गया, 1 आ गया। मतलब ये जो एक्स है ना, ये तो आ गया, कॉमा वाई निकाल दो, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, हो गया क्वेश्चन खत्म। वाई भी सेक्शन फॉर्मूला लगा दो, वाई वाला, M1 Y2 + M2 Y1
अपॉन में M1 + M, ठीक है। M1 कितना दे रखा है? 2। Y2 कितना है? -3। +M2 कितना है? 3। Y1 कितना है? 7 × 7। M1 + M2, M1 कितना है? 2, और M2 कितना है? 3। सॉल्व कर लो। 2 × 3 = 6, -6 आएगा। +7 × 3 = 21। अपॉन में 3 + 2 कितना हो गया? 5 हो गया। ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस हो जाएगा। -+- माइनस कर दो। 21 में से 6 लेस करेंगे, क्या आएगा? 1 लेस कर दिया, कितना बचा? 20। 20 में से 5 और हटा दो, 15। 15 / 5, तो ये आंसर आ गया। प्लस का आएगा 15, क्योंकि ये बड़ा है, जो जो बड़ा होता है नंबर उसी का साइन आता है हमेशा। तो ये आ गया 3। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे लिख दो, देयर फोर द पॉइंट इज, या द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, द पॉइंट इज 1,3, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये भी बहुत सिंपल है, देखो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2। इसको भी हम नोट पैड पे करेंगे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन। अब यहाँ पे एक लाइन है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? ये 4, -1। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या दे रखे हैं? ये -2, -3। यहाँ पर अब इसने क्या बोला है? ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है थ्री इक्वल पार्ट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट बना दो और एक पॉइंट यहाँ बना दो। थ्री पार्ट्स हो गए ना, 1, 2 और ये 3, थ्री पार्ट्स हो गए ना। इस पॉइंट को नाम दे दो पी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हैं, और इस पॉइंट को नाम दे दो क्यू, इसके भी कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने, ठीक है। इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकालने। अब क्वेश्चन वापस से समझ लो, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब ये जो पी पॉइंट है और ये जो क्यू पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। ये पूरी लाइन सेगमेंट है, इसमें ए पॉइंट और बी पॉइंट, ठीक है ना, इन दोनों को ये लाइन आप ज्वाइन कर दिए। पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछे गए हैं, कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, एग्जाम्पल में भी था ये क्वेश्चन। यहाँ मैं अच्छे से समझा देती हूँ, एक्सरसाइज 7.2, क्वेश्चन नंबर 6। कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करना है? सबसे पहले हम पी के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, इसको लिख लो एक्स, इसको लिख लो वाई। सबसे पहले पी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, क्यू को आप छुपा दो, सपोज ये है ही नहीं, तो हाइड करना है, छुपाना है, ऐसे काट मत देना, अपना हाथ रख के इसको छुपा दो, इसको हाइड कर दो थोड़ी देर के लिए, कि सपोज ये है ही नहीं, ठीक है। पी पॉइंट है यहाँ पे, सिर्फ पी पॉइंट, तो पी के इधर देखो, पी के इस तरफ एक ही है ना, सिर्फ एक पार्ट है,